बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए फराज किचन में लाई हूँ जौ का दलिया। इसके लिए हमें जौ साबुत चाहिए 1 कप, और इसका रंग देखिए आप, बिल्कुल सफ़ेद है इस वक्त। इसको हम थोड़ी देर के लिए बग़ैर तेल के फ्राइंग पैन में फ्राई करेंगे। हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। जब इसका कलर ब्राउन हो जाएगा, देखिए आप, ब्राउन कलर हो चुका है और इसके अंदर से खुशबू भी आ रही होगी आपको। जब आप बनाएंगे उससे खुशबू आएगी, अभी तो नहीं आएगी। तो इसको हम अब ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इतना ग्राइंड करेंगे कि ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो हम इसको बॉटल में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। काफ़ी अरसे तक ये इस्तेमाल किया जा सकता है और इनसे इंस्टेंट दलिया बनता है और बहुत मज़े का बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें लेंगे 1/2 किलो ठंडा दूध और इसमें मैं 3 खाने के चम्मच ये पाउडर जौ का दलिया डाल दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। अगर गर्म दूध लेंगे तो गुठलियाँ बनने के चांसेस हैं। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ठंडे दूध में, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध होता है उसमें मिक्स करें। अब इसको हम पकाएँगे और मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये उबल जाए और नीचे भी ना लगे पैंदे में। अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए इसको। जौ बहुत हेल्पफुल होता है डाइजेशन में, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, वज़न भी कम करने में हेल्पफुल है। अब इसमें हम 3 खाने के चम्मच चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते जाइए और पकाते रहिए। अब देखिएगा थोड़ी देर बाद ये उबलना शुरू हो जाएगा। देखें अब उबलना शुरू हो गया। इसको 5 मिनट हम मज़ीद उबालेंगे। ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। देखें इसकी कंसिस्टेंसी अब गाढ़ी हो गई है थोड़ी। अब इस स्टेज पर हम इसको निकाल लेंगे और ये जौ का दलिया बिल्कुल तैयार है। और जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा रेसिपी को। थैंक यू वेरी मच।